वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6 टेबल। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को एक दुआ बताई थी, जो मैंने कहा था कि जब भी आप पढ़ने बैठा करें तो उस दुआ को पढ़ा करें। तो सब लोग पढ़ते हैं वो दुआ जल्दी से, एक दफ़ा तेज़ आवाज़ में दुआ पढ़ो, फिर हम शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء آمين। अच्छा जी, यहाँ पे तीन बातें डिस्कस की जा रही हैं इस चैप्टर के अंदर, कि टेबल को बनाया कैसे जाए HTML के अंदर, और कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो जो टेबल में ज़्यादा सही नज़र आती है, या यूँ कह लें कि टेबल बनाने की ज़रूरत मुझे पड़ेगी कब, तो कैसे टेबल को बनाया जाता है, उसको बनाने की ज़रूरत कब पड़ेगी, और जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको टेबल में अगर दिखाने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो कैसे दिखाएंगे। यहाँ पर उन्होंने बात जिक्र की है कि देयर आर सेवरल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी डिस्प्लेड इन अ ग्रिड और टेबल। कह रहे हैं कि कुछ सेवरल टाइप्स की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको अगर ग्रिड में दिखाया जाए तो सबसे बेस्ट रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पोर्ट्स रिज़ल्ट, स्टॉक रिपोर्ट, ट्रेन टाइम टेबल। के किसी भी किस्म के जो स्पोर्ट्स होते हैं उनका जो रिज़ल्ट होता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं और हर प्लेयर के अगेंस्ट कुछ ना कुछ स्कोर्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऑड्स होते हैं। या स्टॉक रिपोर्ट में भी क्या होता है कि मल्टीपल कंपनी के नाम होते हैं और हर कंपनी के नाम के अगेंस्ट कुछ ना कुछ ऑड्स, कुछ ना कुछ फिगर्स, नंबर्स या कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है उसकी। अच्छा, इसी तरह ट्रेन टाइम टेबल में भी क्या होता है कि मल्टीपल ट्रेन्स होती हैं जो मुख्तलिफ टाइम पे आना और जाना कर रही होती हैं। तो इस तरह की जो डिटेल्स हैं वो आमतौर पर टेबल में दिखाई जाती हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि जी, व्हेन रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ टेबल यू नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्रिड मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कह रहे हैं कि जी, आप जब टेबल के बारे में सोचें ना तो आप रोज़ एंड कॉलम्स को सोचें, बिल्कुल उसी तरह जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है वो रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट, कह रहे हैं स्प्रेडशीट आप जहन में सोचें। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दीज फोर की पॉइंट्स, जो इसने शुरू में भी बता दिया चैप्टर के कि जी वो किस तरह से है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक HTML की एक टेबल का ना एक एग्ज़ाम्पल दिखाया है। ये HTML की टेबल यहाँ पे ना एक छोटी सी इन्होंने बना के दिखा दी है कि किस तरह की दिखती है ये। अच्छा, और आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के अंदर ना टेबल की एग्ज़ाम्पल शो की है कि जी, एक स्टॉक का कोई न्यूज़ पेपर है जिसमें स्टॉक की डिटेल्स कुछ छापी जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा कोई ये किसी चीज़ का ये स्केजुअल है शायद, हाँ नेशनल रेल का ये ना वो है, मेन्यू है, नेशनल रेल करके कोई इदारा है इनका, जैसे हमारे पास पाकिस्तान रेलवे है तो उनका ये मेन्यू है कि जी वो जैसे हमारे पास है ना रूट 1, रूट 2, रूट 3, इस तरह यहाँ पे जोन 1, जोन 2 ऐसे करके, और सबके आगे पैसे भी लिखे हैं। अच्छा, इसी तरह लास्ट में हमारे पास ये हमारे पास एक और बना हुआ है, ये शायद किसी चीज़ का कोई कोई प्लान है जिसमें एक प्रीमियम और एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, शायद कोई इंटरनेट वगैरह का कोई पैकेज है कि जिसमें प्रीमियम और स्टैंडर्ड दो मुझे दिख रहे हैं, तो ये इसको भी टेबल में इन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, रियल लाइफ में अगर मुझे टेबल्स को देखना हो तो भी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चला जाऊँगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास इंटरनेट की कंपनी कौन सी है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रोम फाइबर पैकेजेस करके मैंने सर्च कर दिया, तो मोस्ट प्रोबली इन्होंने जो पैकेजेस की डिटेल दिखाई भी होगी अपनी वेबसाइट पे, वो किसी ना किसी टेबल में वो दिखाई भी होगी। अच्छा, इन्होंने बोला कि यार आप पहले सिटी बताओ अपना। अच्छा, सिटी बता देते हैं, कराची बता देते हैं फिलहाल। ठीक है, अच्छा, तो ये काइंड ऑफ एक टेबल की ही सूरत में ये दिख रहा है मुझे, लेकिन ये उस तरह का नहीं दिखा। चलो हम एक दूसरा एक खोलते हैं, मैं कह देता हूँ कि यार गो डैडी होस्टिंग पैकेज।
प्लान्स। कुछ इतनी अच्छी मुझे टेबल नहीं दिखी, इसलिए मैं क्या किया मैंने, प्राइसिंग शायद मुझे लिखनी चाहिए। अच्छा, ये भी एक्चुअली टेबल की कोई मुझे सही एग्जांपल नहीं नज़र आ रही। वेल, तो मैं वैसे ही गूगल इमेजेस पे लिख रहता हूँ कि प्राइसिंग टेबल, तो कुछ इस तरह का जो है ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन दो मैंने वेबसाइट खोली, दोनों पे मुझे इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ अक्सर आपको देखने को मिलती है डिफरेंट वेबसाइट्स पे। तो इस तरह की चीज़ जब हमें बनानी पड़ती है ना, तो उसके लिए हमारे पास टेबल्स जो है वो सबसे बेस्ट होता है, कि टेबल्स का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह की चीज़ बनाएं। अच्छा, टेबल बाय डिफ़ॉल्ट जब बनती है तो उस पर तो ना कोई बॉर्डर्स होते हैं, अगर हो लगाओ भी बॉर्डर्स तो चकोर चकोर होते हैं, लेकिन इसकी ये स्टाइलिंग हम CSS के ज़रिए बाद में हम इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो तकरीबन जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उसमें आपको टेबल बनाने की ज़रूरत कभी ना कभी ज़रूर पड़ती है। ठीक है, इस तरह की टेबल आपको बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, एक यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट दिखाई है केस स्टडी के तौर पे। तो कौन आप में से मुझे ये बताएगा कि इस वेबसाइट में टेबल कहाँ पे मौजूद है? अच्छा, जहाँ पे कमोडिटी करेंसी लास्ट ये लिखा हुआ, ये एक टेबल है। बिल्कुल ठीक है, और भी कोई टेबल इसमें मौजूद है? हाँ, जहाँ पे ये मार्केट इंडेक्सेस लिखा हुआ है, यहाँ पे ये भी एक्चुअली एक टेबल है। और भी टेबल इसमें कोई मौजूद है? करेंसीज का है? अच्छा, तो इस पेज के ऊपर ना मल्टीपल टेबल्स मौजूद हैं, जिसमें एक तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये टेबल है, ये वाले को भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इसके नीचे भी जो है वो भी एक्चुअली टेबल है, और उसके नीचे भी, तो ये तीन टेबल लाइन से बनी हुई है। अच्छा, उसके अलावा ये जो पार्ट है, ये भी मोस्ट प्रॉब्ली ये भी एक टेबल है। ठीक है, इसको इस तरह देख के शायद इतना श्योरिटी से बताया नहीं जा सकता, लेकिन ये भी मोस्ट प्रॉब्ली टेबल है। ठीक है, जिसके अंदर दो कॉलम्स हैं। अच्छा, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये भी एक टेबल है, लेकिन ये सिंगल रो टेबल है। अच्छा, और हो सकता है कि ये पूरी जो वेबसाइट का ये जो हेडर बना हुआ है, ये भी टेबल के ज़रिए बना हुआ हो, क्योंकि जिस ज़माने में ये बुक लिखी गई है उस ज़माने में जो लेआउट है वेबसाइट का वो टेबल्स के ज़रिए बनाया जाता था। अब वो चेंज हो गया है, अब हम या तो फ्लैक्स बॉक्स या तो ग्रिड के ज़रिए बनाते हैं, तो वो ट्रेंड ज़रा चेंज हो गया। अच्छा, तो हमने देखा कि यार इस वेबसाइट पर ना टेबल किस तरह की दिख रही है। अच्छा, बाई डिफ़ॉल्ट टेबल इस तरह की नहीं बनेगी, बाई डिफ़ॉल्ट तो वो चकोर चकोर बनती है सारी, लेकिन बाद में हम उसको स्टाइलिंग लगाकर ऐसा बना सकते हैं जैसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, वो हम HTML के ये 8 चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम CSS के फिर जब 8 चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, टेबल का जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके ना ज़रा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप कि ये आप लोगों को पहले से आता होगा, लेकिन इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं यहाँ पे जस्ट। टेबल, ठीक है जी, तो मैंने एक टेबल को यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अच्छा, इस टेबल में ना ज़्यादातर लोग शुरू में क्या होता है, ये TR और ये TD में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं उस तरह से बना देता हूँ जिस तरह से ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाला है। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वैसा बना दूँ जैसा इसने स्क्रीन पे डिस्प्ले होना है।
कुछ इस तरह से ये स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाला है। अच्छा, इसमें क्या हमने देखा कि ये टेबल का टैग स्टार्ट है, टेबल का टैग यहाँ पे ख़त्म है नीचे, ठीक है जी। टेबल का टैग स्टार्ट और एंड यहाँ पे हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एक टी आर। टी आर स्टैंड्स फॉर टेबल रो। अच्छा, रो जो होती है, सब लोग रो कॉलम में कोई कन्फ्यूज तो नहीं होता कि रो कौन सी होती है, कॉलम कौन सा होता है। जो रो होती है ना, वो ये ऐसे वाली होती है, हॉरिजॉन्टल या राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट जो होती है वो रो होती है, ठीक है। और कॉलम जो होता है वो क्या होता है, टॉप टू बॉटम जो है वो उसको हम कहते हैं कॉलम। तो इन HTML की टेबल में ना सिर्फ रो बना सकते हैं हम, कॉलम नहीं बना सकते, फिर कॉलम खुद बन जाता है, ठीक है। जब वो मल्टीपल रोज होती हैं तो कॉलम खुद बन जाता है। तो हम इसके अंदर सिर्फ रो का टैग है हमारे पास, कॉलम का कोई टैग नहीं है, सही है। तो इस चीज़ से बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमारे पास टी आर जो है वो स्टैंड्स फॉर टेबल रो, ठीक है। तो टी आर ही है, टी सी करके कोई टेबल कॉलम करके कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर, टेबल रो सिर्फ है इसमें। अच्छा, एक रो के अंदर यानी कि टेबल की जो पहली रो होगी मेरे पास, उसमें सेल्स होंगे, ठीक है। उस टेबल के अंदर सेल होंगे, तो ये पहला सेल है जिसमें जिसमें 15 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको इसमें कहते हैं टेबल डेटा, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली सेल है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप जो टेबल देखते हैं उसके अंदर जो सेल होता है, ये एक सेल है उसका। अच्छा, दूसरा भी इसी तरह टी डी जो लिखा हुआ है दूसरा, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है। ये तीन सेल हो गए पहली रो में, ठीक है। ये पहली जो लाइन है इस टेबल की, इसमें तीन सेल हो गए। अच्छा, दूसरी जो लाइन है उसके अंदर भी तीन सेल हैं, और तीसरी जो लाइन है उसमें भी तीन सेल हैं। तो ये जब स्क्रीन पे मुझे नज़र आएगी तो 3x3 की एक टेबल होगी ये, जिसमें 3 रो 3 कॉलम होंगे, ठीक है। कॉलम कैसे बने, जब ये एक रो आई उसके नीचे दूसरी रो आई तो ऑटोमेटिकली वो कॉलम जैसा नज़र आने लग गया, ठीक है। हालांकि HTML में कॉलम करके कोई टैग नहीं था। अब इसको हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जी मेरे पास क्या हो गया, ये टेबल डिस्प्ले हो गई। यार मेरा सिस्टम कुछ हैंग वैंग हो रहा है, समझ भी नहीं आ रहा क्या चक्कर है, ज़रा लैगी लैगी चल रहा है। इसको रीस्टार्ट करता हूँ मैं एक दफ़ा यार। अच्छा जी, तो हमारे पास ये टेबल नज़र आ गई जिसके अंदर तीन रो है और तीन कॉलम है। अच्छा, ये एक रो है पहली, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ठीक है, जो हमने कोड में लिखा था वहाँ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छा, किसी दोस्त को इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी भी किस्म की। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर अगर बॉर्डर लगाना है, तो वैसे बॉर्डर लगाने का काम ना हम CSS के थ्रू करते हैं, लेकिन HTML में एक एट्रीब्यूट भी है जिसके ज़रिए हम बॉर्डर लगा सकते हैं, बट दिस एट्रीब्यूट इज़ नॉट रेकमेंडेड, ठीक है। बॉर्डर 1, तो इससे 1 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा, सही है, 1 पिक्सल का बॉर्डर आ गया। जैसा कि हमने शुरू में पहली क्लास में भी डिस्कस किया था ये, कि पहले HTML और CSS अलग अलग नहीं होती थी, ठीक है। HTML के अंदर ही स्टाइलिंग के एट्रीब्यूट्स होते थे, जैसे मिसाल के तौर पे किसी, अब बॉडी है ना, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर लगाना है तो BG कलर करके बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा तो ये चल जाता है, ठीक है, अभी भी चल जाता है ये। बट दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड कि ये एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करें, बेहतर ये है कि हम ये कलर वगैरह लगाने के जो सारे काम हैं वो हम CSS से करें, ठीक है। तो इसी तरह ये बॉर्डर का भी एट्रीब्यूट मौजूद है, इट डजेंट मीन कि हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इस वजह से कि वो बस था पहले, उसको लेगेसी सपोर्ट के लिए इसको ख़त्म नहीं किया, लेगेसी सपोर्ट को रखना पड़ता है, क्योंकि अगर जो पुरानी वेबसाइट बनी हुई ना, आज से 20 साल पहले किसी ने कोई वेबसाइट बनाई है और वो लाइव है, वो अपडेट नहीं कर रहा उसको कोई, तो वो चलना ना बंद हो जाए, क्योंकि अगर इसको ख़त्म कर देंगे तो वो चलना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो जस्ट फॉर लेगेसी सपोर्ट जो है ना, ये एट्रीब्यूट्स आज भी मौजूद हैं, लेकिन अब जो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम HTML के अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर वाला काम करें और स्टाइलिंग वाला सारा का सारा काम हम CSS के ज़रिए करें। अच्छा जी, तो ये हमने इसको बना के देख लिया। अब मुझे अगर इसमें एक और रो चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक और इसको रो बना दूँगा, दैट्स इट। मैंने जस्ट ये लाइन को पूरा का पूरा कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया, और इसमें मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। मैंने कहा 100 और साथ में 20 और साथ में 10, सही है जी। तो ये 100, 20, 10 की एक रो आ गई नीचे। अच्छा, आते हैं जी वापस बुक में, और आगे ये क्या बता रहे हैं वो देख लेते हैं। इन्होंने इस तरह का डिस्प्ले दिखाया था, हमारे पास भी सेम इसी तरह का डिस्प्ले आया है। अच्छा जी, उसके बाद ये कह रहे हैं कि टेबल के अंदर ना टेबल हेडिंग भी हो सकती है, तो हम इन्हीं की एग्जांपल को हम यहाँ से लेते हैं।
और इन्हीं की एग्जांपल को लेके हम क्या करते हैं, इसके नीचे बना देते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देके जी। भी करते हैं हो गया। अच्छा पहले हम इसका डिस्प्ले देख लेते हैं कि डिस्प्ले इसका किस तरह का आ रहा है। रिफ्रेश किया मैंने, कुछ इस तरह का डिस्प्ले आ रहा है। इस पे ज़रा सा बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि हमें दिखना शुरू हो जाए सही तरह कि ये कैसा चल रहा है। बॉर्डर वन, ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरह की टेबल मेरे पास फ़िलहाल बनी भी आ रही है। अच्छा जैसा कि हम ये देख सकते हैं कि ये पहली रो है, पहली रो में जो पहला जो सेल है वो खाली है, सही है। दूसरे सेल में लिखा हुआ है सैटरडे और तीसरे सेल में लिखा हुआ है संडे। तो अच्छा ये सैटरडे और संडे जो है ये क्या है, मतलब एज अ ह्यूमन ह्यूमन क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंट होते हैं राइट, तो हमें देख के पता लग रहा है कि ये सैटरडे जो है ये हेडिंग है किसके लिए, इस पूरे के पूरे कॉलम के लिए। टॉप टू बॉटम जो इसमें डेटा लिखा जाएगा उसके लिए सैटरडे ये हेडिंग है। इसी तरह संडे जो है वो हेडिंग है, उसके नीचे ये डेटा लिखा हुआ है, इन दोनों डेटा के लिए ये हेडिंग है। तो ये ह्यूमन ऐसा ह्यूमन हमें ये पता लग रही है बात। अच्छा इसी तरीके से टिकट सोल्ड दूसरी रो पे अगर हम देखें तो टिकट सोल्ड लिखा हुआ है पहले सेल में। अच्छा दूसरे सेल में 120, तीसरे सेल में 135। जो टिकट सोल्ड है वो भी एज अ ह्यूमन हमें देख के पता लग रहा है कि ये क्या है, ये हेडिंग है किसके लिए, इन दोनों डेटा के लिए हेडिंग है ये। फिर इसी तरह टोटल सेल्स जो है वो भी हेडिंग है, वो इन दोनों डेटा के लिए। लेकिन HTML को ये बात नहीं पता लगती, खुद से नहीं पता लगती, मुझे उसको पता लगवाना पड़ता है, बताना पड़ता है जब उसको समझ आता है। अच्छा अब देखते हैं ये काम इस तरह से कैसे हुआ हुआ है। मैं अगेन इस टेबल को भी क्या करता हूँ, इस टेबल को भी मैं उस तरह से कर देता हूँ जैसे ये स्क्रीन पर नज़र आ रही है, सही है, जस्ट टू मेक इट ईजियर। ठीक है जी, और एस टी आर को हम भी ऊपर ले जाते हैं। अच्छा तो ये टेबल ना मुझे स्क्रीन पे कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। पहली रो, सही है, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में जो है वो पहला जो सेल है वो ना सिर्फ खाली है बल्कि इस दफ़ा इन्होंने सेल के लिए जो टैग का इस्तेमाल किया है वो इन्होंने किया TH, ठीक है। अच्छा पहले इन्होंने यूज़ किया था TD। अच्छा TD और TH दोनों टैग का जो इस्तेमाल होता है वो किस लिए होता है, वो एक सेल को बनाने के लिए होता है, स्क्रीन पे एक सेल उससे नज़र आ जाता है। लेकिन TH और TD से जो सेल बनता है उसमें फ़र्क ये होता है कि TH का कुछ एक्स्ट्रा सिमेंटिक मीनिंग्स होती हैं जो ब्राउज़र को पता लगती हैं, ठीक है। TH की कुछ एक्स्ट्रा सिमेंटिक मीनिंग्स होती हैं जो कि TD के अंदर नहीं होती। अच्छा वो क्या होती है TH के अंदर एक्स्ट्रा सिमेंटिक्स, कि जो TH है वो एक हेडिंग टाइप का सेल है, ना सिर्फ वो एक सेल है बल्कि वो हेडिंग टाइप का सेल है। लिहाजा TH के अंदर लिखी हुई कोई भी बात ब्राउज़र पे हो सकता है कि वो बोल्ड हो के नज़र आए, ठीक है, नॉट मैंडेटरी। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग का टैग पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग को जो है वो बहुत सारे ब्राउज़र्स बोल्ड करके दिखाते हैं, लेकिन इट डज़न्ट मीन कि वो हमेशा बोल्ड दिखेगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि TH जो है उसको मोस्टली ब्राउज़र क्या करते हैं, बोल्ड करके दिखाते हैं उसके सिमेंटिक मीनिंग्स की वजह से। अच्छा अब उसके बाद क्या होता है कि एक और हमारे पास TH है, पहला सेल तो हमने देख लिया TH है लेकिन ये खाली है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। अच्छा स्क्रीन पे भी हमें ये क्या दिखता है, स्क्रीन पे भी ये पहला सेल हमें खाली दिखता है। अच्छा आगे आ जाएं, दूसरा जो सेल है वो भी TH है और इसके अंदर लिखा हुआ है सैटरडे, और सैटरडे मुझे स्क्रीन पर दिख भी रहा है। साथ में इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इसका स्कोप क्या है, कि ये हेडिंग तो है लेकिन आया कि ये हेडिंग है अपने
सामने वाले सेल के लिए या अपने नीचे वाले सेल के लिए, है ना? क्योंकि ये HTML को ये बात नहीं पता लगती, ये हमें तो देख के पता लग गई ना, हमें देख के पता लग गई सैटरडे जो हेडिंग है ये अपने नीचे वाले के लिए हेडिंग है, अपने सामने वाले के लिए हेडिंग नहीं है। ऑन अदर एंड टिकट सोल्ड जो है वो अपने सामने वाले के लिए हेडिंग है, तो ये हमें तो पता लग जा रही है। तो इस सैटरडे के ऊपर ये मुझे बताना पड़ेगा कि इसकी हेडिंग का स्कोप क्या है। इस केस में जो इसकी हेडिंग का स्कोप है वो टॉप टू बॉटम है, इसका मतलब है कॉलम, टॉप टू बॉटम वाले को कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे इसने स्कोप बता दिया जी, ये कॉलम, सही है, स्कोप हमें पता लग गया इसका कॉलम है। अच्छा और क्या है जी, इसका फैन ज़रा स्लो करते हैं, बड़ा शोर कर रहा है ये। अच्छा दूसरा हमारे पास जो है वो संडे है, उसका भी स्कोप जो है वो कॉलम है, सही है, बिल्कुल आसान है, मसला तो नहीं है कोई इसके अंदर। अच्छा फिर दूसरी रो के अंदर हम आ जाते हैं, दूसरी रो के अंदर जो पहला सेल है वो अगेन एक TH है, यानी कि हेडिंग है, साथ में उसका स्कोप क्या है, रो है, ठीक है, हमें दिख रहा है कि रो है तो हमने रो लगा दिया, HTML को इसके बगैर नहीं पता लगता। अच्छा उसके आगे एक सिंपल सा सेल है और एक और सिंपल सा सेल है जिसमें 120 और 135 लिखा हुआ है। अच्छा उसके बाद है तीसरी रो, तीसरी रो के अंदर जो हेडिंग है उसका भी स्कोप जो वो रो है, टोटल सेल्स, और इसी तरह यहाँ पे दो सेल है। अब कौन मुझे ये बताएगा कि अगर मैं ये स्कोप हटा दूँ, ये सारे स्कोप को मैं सेलेक्ट करता हूँ और अगर मैं स्कोप को हटा दूँ, ठीक है, ये सारे स्कोप मैंने हटा दिए और है ना, ये सारे स्कोप मैंने हटा दिए, तो क्या होगा? यहाँ पे मैं आता हूँ, इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, टेबल अभी भी मुझे वैसा ही दिख रहा है। अब ये क्या चक्कर है? सिमेंटिक मीनिंग्स हैं इसकी, इसकी सिमेंटिक मीनिंग क्या है कि जब कोई क्रॉलर या जब कोई स्क्रीन रीडर मेरे पास आता है, क्योंकि सोचो ना इसको ज़रा कि एक टेबल है उसको तुम्हें किसी को पढ़ के बताना है, एक टेबल है उसको तुम्हें किसी को पढ़ के बताना है, इस टेबल को कौन मुझे रीड करके बताएगा कि इसको पढ़ने में कैसे पढ़ा जाएगा इस टेबल को? इस टेबल को अगर रीड करके बताना हो तो कैसे रीड करके बताया जाएगा? हाँ इस तरह करके, हाँ ऐसा पढ़ो ज़रा प्रॉपर, इसको रीड करो कैसे रीड करो। हाँ और इसी तरह संडे को 135 सोल्ड हुए टिकट्स और 675 डॉलर से। हाँ बिल्कुल सही है, इस तरह इसको पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन इस तरह पढ़े जाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन सी हेडिंग किसकी है। तो जब तक ये हमें पता नहीं होगा ना कि कौन सी हेडिंग किसकी है, तो हम इस तरह पढ़ नहीं सकते उसको। तो इसी तरह अगर स्क्रीन रीडर आता है तो वो भी तो है, तो वो इंटेलिजेंट, लेकिन उसको बताना तो पड़ेगा ना कि कौन सा डेटा किस चीज़ का है, ठीक है। अच्छा हमें कैसे पता लग रहा है? हमें भी बताया गया तो पता लग रहा है, हमें किस तरह बताया गया है वो विजुअली हमें दिख रहा है। विजुअली जो है हमें ये बात लिखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखा गया कि अच्छा जी ऊपर जो होता है नीचे वो ये हमें बात पता है, किसी ने सिखाई है, कहीं से सीखी है हमने ये बात, तो ये हमें भी बताया जा रहा है तो पता लग रहा है। तो हमें HTML को थोड़ा सा अलग तरह से उसको बताना पड़ता है। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि यार ऐसा भी तो हो सकता था कि जो टॉप पे अगर कोई सेल है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कंसिडर कर लेता है कि इसके नीचे वाला जो इसके लिए हेडिंग है ये, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, समटाइम ऐसा होता है कि इसके ऊपर भी एक हेडिंग होती है जो मेन हेडिंग होती है, ठीक है, तो वो उसका कोई स्कोप नहीं होता, लेकिन जो पूरी मेन हेडिंग होती है उसका कोई स्कोप नहीं होता, वो पूरे टेबल के लिए हेडिंग होती है, तो उसमें मुझे स्कोप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। समटाइम होती है, ज़रा मज़ीद कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल, वीकेंड क्या चीज़, ठीक है, देखो ये ज़रा ना एक नस्बतन एक कॉम्प्लेक्स टेबल है ये, ठीक है। अब इसमें जो ये हाई रिस्क एरर है, इस हेडिंग का जो स्कोप है वो अपने नीचे वाले के लिए, लेकिन आप देखो इसके ऊपर भी एक बात लिखी हुई है, तो अगर वो इस तरह से करते हैं तो फिर वो तो हेडिंग समझ नहीं आती फिर, ठीक है। अच्छा फिर इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे ना फील्ड विथ एरर्स, ये एक हेडिंग है, लेकिन इसके ऊपर भी एक हेडिंग है जो कि पूरे टेबल के लिए हेडिंग है, तो ये नहीं पता लगता। अगर हम इस तरह से देखें यहाँ पर तो एक हेडिंग ये है, उसके ऊपर भी टेक्स्ट है, उसके ऊपर एक तीसरी हेडिंग है, तो तीन हेडिंग लाइंस है, तो ये नहीं पता लगता कभी भी।
तो इसलिए जो है ना उन्होंने एक एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस करवाया कि जी वो इस एट्रीब्यूट से आप उसको बता रहे होंगे। अच्छा आ जाते हैं वापस इधर। अच्छा यहाँ पे इन्होंने ये मज़मून लिखा है, इसको ज़रा आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, इसमें इसी बात को ज़रा इन्होंने मज़ीद थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है। अच्छा स्पैनिंग कॉलम, स्पैनिंग कॉलम में क्या होता है जी कि किसी भी कॉलम किसी भी सेल को, जैसे ये जियोग्राफी वाला सेल है इसको दो कॉलम पे किया हुआ है, ये जिम वाला कॉलम इसको तीन कॉलम पे किया हुआ है इस सेल को, ठीक है। एक सेल बाई डिफ़ॉल्ट एक ही कॉलम के अंदर आ रहा होता है, लेकिन ये दो कॉलम तीन कॉलम पर लेके जा रहा है, तो इसके लिए कॉल स्पैन करके हमारे पास एक टैग होता है, ठीक है। कॉल स्पैन टू करते हैं और दो कॉलम में चला जाता है, ठीक है। इसी तरह नीचे इसके रो स्पैन होता है, रो स्पैन को हम क्या करते हैं, ये आप देखें मूवी वाला जो है ना ये दो रोज़ के अंदर आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर वाले में आना चाहिए था लेकिन दो कर दिया तो ये रो स्पैन इसका टू हो गया। अच्छा इस 7 to 8 के बिल्कुल सामने जो स्पोर्ट्स था, लेकिन जब इसको मैंने टू किया ना तो स्पोर्ट्स को इसने आगे धक्का मारा, सही है, स्पोर्ट्स को इसने आगे धक्का मारा है और ख़ुद उसकी जगह पर आया है। तो ये रो स्पैन और कॉलम स्पैन है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है अक्सर टाइम टेबल वगैरह बनाते वक्त, जैसा कि इन्होंने जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिखाई है ये भी एक्चुअली क्या है, एक टाइम टेबल की एग्ज़ाम्पल है कि जी मिसाल के तौर पे अब हमारी जैसे क्लास होती है यहाँ पे, तो कुछ क्लासेस जो हैं वो 2 घंटे की होती हैं और कुछ क्लासेस जो हैं वो 2 घंटे से ज़रा कम की होती है, ठीक है, 1.5 घंटे या 1 घंटे की होती है। तो उसका जो स्केजुअल बनेगा फिर उसमें तमाम दिन होंगे मंडे ट्यूसडे वेनसडे, और ऊपर होगा कि जी 9 AM से लेके वो 9 PM तक पूरा जो टाइमिंग है यहाँ की, तो 9 से 9 तक वो 1-1 घंटे का स्लॉट होगा। तो अब मिसाल के तौर पे आपकी जो क्लास होती है उस वो दो सेल के अंदर आ रही होगी, है ना, वेब डेवलपमेंट जो है वो 9 और 10 दो पे आ रही होगी, है ना। तो यानी 9:01 यहाँ पर है और 9:59 यहाँ पर है, ठीक है, और 10:01 और 10:59, तो 10:59 पे आपकी क्लास क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। अच्छा लॉन्ग टेबल्स, ठीक है जी, तो कितने लोग आप में से हैं ऐसे जो बुक पढ़ चुके हैं, ज़रा सा मुझे कोई बताया कि यार लॉन्ग टेबल वाली जो ये जो ये हेडिंग है इसमें ये क्या बात डिस्कस कर रहा है, आप में से कौन बता पाएगा। हाँ जी कितने लोग ऐसे हैं जो बुक पढ़ना शुरू कर दिया है जिन्होंने, और कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सोच रहे हैं अभी कि हम बुक पढ़ेंगे कभी ना कभी। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनको पहले से HTML आती है और वो शायद अपना कोई ओपिनियन दे पाएँ कि यार व्हाट डज इट मीन भाई लॉन्ग टेबल वाले सेक्शन में ये जो बुक में बात कर रहा है ये क्या बात कर रहा है, या लॉन्ग टेबल इटसेल्फ क्या होती है, कोई ओपिनियन आप में से कोई देना चाहे। यार लास्ट क्लास में तो इतने सारे बंदे थे वो कह रहे थे HTML में आती है, बताएं सर कुछ ज़रा लॉन्ग टेबल के बारे में। सर इसमें जो नज़र आती आ रहा है ना टेबल हेडर जो है और बॉडी और एक जैसे हम एक पेज बनाते हैं ऊपर हेडर होते हैं बॉडी में एक मतलब अपने बिजनेस बारे के बारे में बताते हैं और नीचे फुटर होता है, तो इसी तरह ये एक टाइम टेबल हम जो बनाते हैं तो ऊपर हम हेडर देते हैं उसमें टाइम डेज वगैरह देते हैं और जो डेज है ना उनका बॉडी में वो करते हैं और नीचे अपने मतलब इंस्टीट्यूट वगैरह उसका नाम लेते हैं। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई लॉन्ग टेबल होती है तो अगर वो शुरू से स्टार्ट होती है और वो नीचे तक जाते हैं तो शायद नीचे जाते जाते हम उसका कहीं ना कहीं वो हेडिंग्स भूल जाते हैं तो वो हेडिंग्स नीचे भी हम लगा देते हैं, ये कहना चाह रहे हैं हम। जी हमारे पास जब डेटा ज़्यादा होते हैं तो उसका रेडिबिलिटी थोड़ा मुश्किल होते हैं, जब हम उसको जो है लॉन्ग टेबल का अपना जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में हम लिखेंगे तो उसकी रेडिबिलिटी हमारे पास जो है इंक्रीज हो जाती है, हमारे पास प्रॉपर जो है हेडिंग ताकि हम पता चले कि टेबल किस चीज़ के बारे में, उसके बाद फिर टेबल की बॉडी। अच्छा इनकी जो बनाई हुई टेबल है वो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है ना लिख लेता हूँ अपने पास,
अच्छा ये मैंने इसको जिस तरह किया है ना, जैसे ही मैं इसको फॉर्मेट करूँगा ना तो ये अपनी शक्ल पे आ जाता है वापस, ठीक है। तो इसको हम उस तरह करके वो रोक नहीं सकते। एक्चुअल जो HTML की फॉर्मेटिंग है वो इस तरह है, वो मैंने आपको समझाने के लिए उस तरह किया था कि स्क्रीन पे ये जैसा दिखेगा ना वैसा करके समझाया था। अच्छा तो यहाँ से हमारे पास ना ये लॉन्ग टेबल स्टार्ट है, ठीक है। इसको ज़रा स्क्रीन पर देख लेते हैं कि ये कैसी नज़र आती है, ठीक है। अच्छा अभी तो ये लॉन्ग टेबल कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, कह रहे हैं कि यार बीच में ना और रोज़ होंगी, ठीक है, एडिशनल रोज अबव। तो मैं क्या करता हूँ इसमें एडिशनल रोज ना ज़रा जनरेट करवा लेता हूँ चैट GPT से, सही है। इसको मैं चैट GPT को देता हूँ और उससे बोलता हूँ कि यार इसमें कुछ एक्स्ट्रा रोज जो है ना डाल दो आप। देखते हैं अब ये क्या करते हैं। क्या क्या किया इसने यार, ये कमेंट किया था उसका नंबर चेंज कर दिया, इसका प्रॉम्प्ट चेंज करते हैं, इसको कान की जड़ में समझाते हैं। यस कमेंट की जगह उन्होंने वो लिखी 97 99, सही है। मैंने कहा भाई गिव मी सिमिलर टेबल बट विथ 100 रोज, वन 20 रोज नहीं लिखी इसने वो लगा दिया इसमें, इससे कैसे जबरदस्ती ये काम करवाया जाए। अच्छा इसने 3 रो मुझे और लिख के दिए, मैं काम करता हूँ 3 रो को यहाँ पे पहले तो लगा देता हूँ, सही है। और इसको मैं लिखता हूँ मोर, अब ये 3-3 करके इससे मैं मोर मोर कराता जाता हूँ। सही है, आपकी बार इसने क्या दिया, 4 दिया है, आओ 4 को यहाँ लिख देता हूँ मैं, इससे कहता हूँ और। सो मैं डायरेक्ट क्यों 100 मोर, अबे फॉर लूप लिख के दे दिया इसने यार, बहुत सियानी चीज़ है ये। वेल चलो हमने इतने थोड़े बहुत तो कर लिया कि इतनी लंबी टेबल हमने यहाँ पे बना ली है, सही है। अच्छा अब ये लॉन्ग टेबल है एक, अब ये एक लॉन्ग टेबल है। अब लॉन्ग टेबल के अंदर ऐसी क्या, इस पर वो भी लगा देता हूँ मैं बॉर्डर, बॉर्डर लिखता है ना ज़रा टेबल जैसी दिखने लग जाती है चीज़। मैंने कहा टेबल पे बॉर्डर 1, अब दिखने में जो ये वाला हेडिंग है ये हेडिंग बिल्कुल उसी तरह है, ये इनकम जो है हेडिंग है, इसका जो स्कोप है वो अपने नीचे कॉलम है, सही है। इसी तरह ये 1 January है जो, ये एक हेडिंग है, इसका स्कोप जो है वो रो है, ठीक है। तो अब इस टेबल में और इस टेबल में ऐसा क्या डिफरेंस है, विजुअली तो मेरे हिसाब से तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो लॉन्ग टेबल को इन्होंने अलग से जो डिस्कस किया है, जो दोस्त बता रहे थे कि वो रीडेबिलिटी का कुछ चक्कर है। अच्छा अब मैं नीचे आके जो
मतलब नीचे आके भी इन्होंने यहाँ पे जस्ट टोटल करके नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, इसके लिए इन्होंने ये लास्ट वाली जो रो है और जो फर्स्ट वाली जो रो है इसकी, ये फर्स्ट वाली जो रो है इसके लिए इन्होंने क्या किया है, वो पूरा इस्तेमाल किया है टी हेड के नाम से, यानी टेबल का हेडर इसको बना दिया, ठीक है, यानी एक जो हेडिंग वाली रो है ना उसको पूरा टी हेड बना दिया इन्होंने, और उसके अंदर एक रो है सिर्फ और उसके अंदर ये तीन हेडिंग्स डली हुई हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये टी बॉडी है जिसके अंदर कुछ रोज और भी हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है टी फूटर, यानी टेबल फूटर, टी फूट नाम रखा है, उसके अंदर भी एक रो है जिसमें वो लास्ट वाली लाइन लिखी हुई है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मैं ये टी हेड नहीं बनाता या टी फूट नहीं बनाता, मैं वैसे लिख देता, तो क्या डिफरेंस हो जाता है इससे? नहीं, क्रॉलर को तो देखो हमने जो बात देखी वो पता लग गई ना उसको, हमने तो ये बता दिया उसको इस टेबल में भी, हमने यहाँ पे भी बता दिया कि जो सैटरडे है ना ये अपने नीचे वाले के लिए हेडिंग है, तो इसी तरह मैं यहाँ पे भी बता दूंगा कि इनकम जो अपने नीचे वाले के लिए हेडिंग है। अब और कौन सी ऐसी डिटेल है जो क्रॉलर को चाहिए हो सकती है या वो जो उसमें नहीं है अवेलेबल, ये तो बात पता लगनी थी, जो वो तो पता लग गई थी क्रॉलर को इससे पहले ही। हाँ जी, जिनको HTML थोड़ी बहुत आती है वो तो बताएं। नहीं नहीं, हाँ मैं करके देख लेते हैं, इसको हम करके देख लेते हैं। मैं काम करता हूँ कि इससे ये टेबल हेड वगैरह सब रिमूव कर देता हूँ। ये है ना हमारा टी हेड, हटा दिया मैंने यहाँ से टी हेड, सही है, और उसके बाद ये टी फूड भी हटा दिया और टी बॉडी भी हटा दिया, सही है, टी बॉडी ये हटाया यहाँ से मैंने, और ये टी बॉडी जो ख़त्म हो रहा था ये हटा दिया मैंने। तो लिहाजा अब क्या हुआ, अब हमारे पास क्या है, टेबल है और डायरेक्ट उसके अंदर रोज़ हैं टेबल के अंदर, ठीक है। इसमें स्कोप नहीं लिखा हुआ, लेकिन स्कोप भी मैं बता दूंगा तो वो मसला मेरा हल हो जाएगा। अच्छा, अभी भी मैं इसको अगर रिफ़्रेश करता हूँ, इस पेज को अभी तक रिफ़्रेश नहीं किया मैंने, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आया इसमें। तो क्या उसका बेनिफिट हुआ टेबल हेडर का और टेबल फूटर का? हाँ, ये बिल्कुल सही बात की आपने कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें, मुझे कोई ऐसी CSS है जो सिर्फ मुझे टेबल हेडर में लगानी है, तो मैं टी हेड के टैग पे लगाऊंगा तो वो सिर्फ टी हेड पे लगेगी, ठीक है। लेकिन इसकी जगह मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि मैं जो फर्स्ट रो है उसको मैं क्लास दे दूंगा कि जी आप क्या हो, हेड हो, और इस हेड पे मैं क्लास लगाऊंगा तो भी यही होगा कि वो फर्स्ट वाली रो पे ही लगेगा, ठीक है। तो ये एक बात तो सही है कि जी टी हेड पे लगाऊंगा तो टॉप वाले पे लगेगा, लेकिन अगर टी हेड नहीं भी होता तो ये काम मेरा फिर भी हो जाता। अच्छा चलो, मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको, ये हमारे पास टेबल है ना, जब इसको हम, अच्छा टेबल वगैरह को आमतौर पर ना डेटा को प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका ताल्लुक ना प्रिंट के साथ है। जब इसको प्रिंट करते हैं ना हम, और अभी तो देखो ये एक ही पेज में पूरा प्रिंट हो गया है। अच्छा, अगर ये पेज ख़त्म हो जाता बीच में, अब ये पेज को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस टेबल को मज़ीद बड़ा करना पड़ेगा। तो इस टेबल को मज़ीद ज़रा हम बड़ा कर लेते हैं, सही है, इस टेबल को मैंने मज़ीद थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अच्छा, अब जब आप देखें प्रिंट करते वक्त क्या होता है, ऊपर तो सही है बिल्कुल ये, उसके बाद ये डेटा लिखता है यहाँ पे हो गया पेज ख़त्म। पेज ख़त्म होने पे ना इसने फूटर यहाँ लगा दिया, आप नोट करें, टेबल का डेटा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अभी डेटा कंटिन्यू है। अगले पेज पे जब ये शुरू हुआ है तो इसके अंदर ये हेडिंग इसने दोबारा से लगाई है ना, ये हेडिंग इसने क्या किया, दोबारा से लगाई है, और फूटर भी दोबारा से लगाया। तो हेडर और फूटर जो, वो क्या होगा अगर प्रिंट के दौरान ये, क्योंकि लॉन्ग टेबल है मल्टीपल पेजेस पे आ सकती है, तो अगर ये मल्टीपल पेज पे जाएगी तो क्या होगा कि वो हेडर और फूटर हर पेज के ऊपर रिपीट होगा, ठीक है। अगर मैं ये हेडर और फूटर का टैग इस्तेमाल नहीं करता तो ये रिपीट नहीं होता, लिहाजा
अगर मैं इसमें से आऊं और इसमें से आके मैं ये टैग्स हटा दूं, ठीक है, टेबल को मैंने काफ़ी लंबा कर दिया, तो मैं टी हेड अगर यहाँ से हटा दूं, ठीक है, और टी बॉडी में हटा दूं यहाँ से, और ये टेबल फूटर वगैरह, यानी इसको सिंपल एक टेबल बना दूं मैं, सही है, सिंपल एक टेबल बना दूं, तो यहाँ पे तो विजुअली कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन जैसे ही मैं प्रिंट दबाऊँगा तो प्रिंट में जो है ना, यहाँ पे आप नोट करें कि ये हो गया, हेडिंग आ गई। अच्छा, जब ये अगले पेज पे जाता है ना, तो ना यहाँ पे फूटर आता है पेज ख़त्म होने पे, ना ही यहाँ पे हेडिंग रिपीट होती है, ठीक है, ये एक सीधा सीधा सीधी सी टेबल यहाँ पे दिख रही होती है ना ये। अच्छा, तो ये हमने छोटा सा एक डिफरेंस था ये देख लिया। अच्छा, इसके और भी सेमेंटिक मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक मीनिंग है जो शायद सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो वो हमने यहाँ पे देख लिया। वेल, ये लॉन्ग टेबल वाला जो चैप्टर है इसको आप पढ़ लीजिएगा खुद से, यहाँ पे इन्होंने मजमून लिखा है लंबा, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कोई बात लिखी है डिटेल लंबी चौड़ी, तो इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्या चक्कर है सारा का सारा। अच्छा, तो कोड में जाके मैं वापस ले आता हूँ इन टैग्स को पहले। वो अच्छा, यहाँ पे हमारा जो टेबल का चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। ये समरी है टेबल के चैप्टर की, तो 5 मिनट है आपके पास, ये समरी ज़रा पढ़ लें सब लोग।